नमस्कार दोस्तों, लव गुरु अजमेर वाले यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पति पत्नी के रिश्ते में हो रहे लड़ाई झगड़े को दूर कैसे करें और पति पत्नी में प्यार कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, हर पति पत्नी में ये समस्या रहती है कि उनके बीच जरा जरा सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बीच भी अदर हस्बैंड वाइफ की तरह प्यार बना रहे। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, अगर आप भी चाहते हैं अपने रिश्ते में भद्रता लाना, तो आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, शादीशुदा जीवन दो लोगों की आपसी समझ और प्यार से चलता है। इस प्यार भरे रिश्ते में तकरारें होती हैं, वहाँ प्यार की बरसातें भी होती हैं। अगर जरा जरा सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगे तो रिश्ते में तकरारें आना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ तक कि ये कारण भी बन जाता है कि डिवोर्स तक का कारण। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आप पति पत्नी में डिवोर्स हो, प्यार बना रहे, लेकिन आप लोगों के बीच तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ट्रस्ट भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े, ट्रस्ट बढ़े, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पति आपको बे इंतहा मोहब्बत करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी आपको बे इंतहा मोहब्बत करे, तो आपको बस ये उपाय करना है। पति पत्नी को साथ में भोजन करने की आदत डालनी होगी। दोस्तों, पति को चुपके से अपने थाली से कुछ खाना अपने पत्नी की थाली में रख देना है, उसको भनक भी नहीं होनी देनी। इससे क्या होता है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा और जो हो रही लड़ाई झगड़े हैं वो भी दूर होंगे। दूसरा उपाय है कि पति को पत्नी के तकिए के नीचे लौंग रखनी चाहिए और पत्नी को पति के तकिए के नीचे कपूर रखने चाहिए। यह आपको शुक्रवार की रात को करना है टोटका। अगले दिन सुबह उठकर पति पत्नी के तकिए के नीचे से लौंग उठाकर तुलसी में डाल दे। उसके बाद पत्नी पति के तकिए के नीचे से कपूर उठाकर अपने शयन कक्ष में कपूर की धुनी दे। इससे क्या होता है कि आपके जो शयन कक्ष है उसमें शुद्धता बनी रहती है और जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बाहर चली जाएगी। आप एक बार इस टोटके को अपनाइए। अगर आप समाधान प्राप्त नहीं हुआ तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें और आज ही हमारे एस्ट्रोलॉजर जी से बात करें।